अब करते हैं हम लोग कॉन्फ्लिक्ट, डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट, और क्या क्या कहाँ कहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या बोला, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके पहले भी हम लोग देखे थे कि अमेंडमेंट अमेंडमेंट भी जरूरी है, ये कॉन्फ्लिक्ट भी जरूरी है, इस चीजों पर ध्यान आप लोग देना बढ़िया से। अब कॉन्फ्लिक्ट का बात करते हैं तो फेज वन 1950s में, यहां पे आप लोग देख सकते हो 1950s में क्या हुआ कि डीपीएसपी सब्सिडरी था, मतलब फंडामेंटल राइट्स के सब्सिडरी, मतलब समझ सकते हो कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो किसको स्टेप डाउन करेगा और सुप्रीम कोर्ट और किसको नहीं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हो कि डीपीएसपी कुछ नहीं है अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स के आगे। तो ये केस कौन सा था, चंपाकम दोरिया राजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक वर्डिक्ट दिया था और बोला था कि अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेगा, न कि डीपीएसपी। ओवरऑल यहां 1950s में क्या होता था, फंडामेंटल राइट्स को वेटेज दिया गया, इसको नहीं दिया गया काट, मतलब कि इसको, इसीलिए मैं यहां पे क्रॉस किया हूं, ठीक है। दूसरा फेज बढ़ते हैं यहां पे, लेट 1952-60s, उस एरा में क्या हुआ, क्या कंडीशन था दोनों के बीच। अगर फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कर रहा, मतलब स्टेट अगर कर रहा हो, चाहे फिर देखा जा रहा हो, तो उस केस में अगर डीपीएसपी को इंटायरली हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इंटायरली इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उस फेज में ये कहा गया, वो के वर्डिक्ट था, वो था केरला एजुकेशन बिल 1957। उसमें क्या हुआ, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा गया था, एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन होता है प्रेसिडेंट का आर्टिकल 143, उसके तहत उसमें बोला ये गया कि आप इंटायरली इग्नोर नहीं कर सकते हो डीपीएसपी को, राज्य के नीति निदेशक तत्व को इंटायरली इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि आप लोग देख सकते हो जो यहां कंडीशन था, कंप्लीटली स्ट्रक डाउन कर देना कि नहीं, डीपीएसपी कुछ नहीं है, एक तरह से यहां पे उसको थोड़ा सा समझा गया, ठीक है। यहां पे भी अगर देखो तो इसी का वेटेज ज्यादा है, लेकिन एक तरह से इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो डीपीएसपी को। अब आते हैं हम लोग फेज थ्री, 70s से लेकर 2018 के बीच में क्या कंडीशन है दोनों के बीच के, ठीक है। लेटेस्ट कुछ केस हैं जो कि वी विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन व्हाइल डूइंग द करंट अफेयर, राइट, पॉलिटिकल एंड पॉलिटी करंट अफेयर, नॉट पॉलिटिकल, ठीक है, वो करेंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब इस फेज में क्या हुआ है कि आप लोग देख सकते हो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, हारमोनी की बात कही गई है, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएस के बीच में हार्मोनाइज करने का बात कही गई है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है, मतलब कि दोनों हार्मोनाइजेशन की बात कही है दोनों के बीच के, ठीक है। तो और यहां पे डिफाइन किया गया कि डीपीएसपी क्या है, गोल है, और फंडामेंटल राइट्स मीन्स है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एक कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग चलते हैं तो बोल सकते हैं कि अभी के कंडीशन में डीपीएसपी का एक अहमियत है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन है, ठीक है, यह समझना जरूरी है। अब आते हैं इसको एक अलग फैक्ट वाइज कि गोलकनाथ केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967, उसमें क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट्स कांट बी एमेंडेड टू इंप्लीमेंट डीपीएसपी, ठीक है। अब डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट्स को एमेंड नहीं कर सकते हो, क्लियर मैसेज है यहां पे, आप लोग देख लेना। दूसरा केस, आप लोग ज्यादा केस याद नहीं करना है, केस तो और भी हैं, जेएन पांडे एक बुक है जिसमें बहुत सारा केस दिया हुआ है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल द केसेस विच इज आई थिंक आई इट्स नॉट यूजफुल हियर, राइट। तो यहां पे इसमें बोल दिया कि अमेंड नहीं करेंगे। दूसरा 24वां और 25वां अमेंडमेंट किया गया 71 में, उसमें 31C को इंप्लीमेंट के रिगार्डिंग बात करी गई। अब 31C में क्या है, आप लोगों को मैं फंडामेंटल राइट्स में 31A, B, C नहीं बताया हूं, अब मुझे जहां तक याद आ रहा है। ए में क्या है कि 31A में आप लोगों को देखना है, ये कहां पे वेयर एक्ट में से देखना है, वैसे मैं समझा दे रहा हूं क्या क्या है उसमें। 31A में ये है कि पांच चीजें दी हुई है, पांच चीजें, जैसे कि एक्वायर करने के लिए स्टेट जो एक्वायर कर सकता है किसी का प्रॉपर्टी, किसी का लैंड, इक्विजिशन के रिगार्डिंग बात कही गई है, पांच चीजें A, B, C, D, E, पांच चीज के बारे में दिया गया है उसमें। अगर उस संदर्भ में अगर कोई जा रहा है, अगर जा रहा है कोई केस करने या फिर कोर्ट जा रहा है कि मेरा आर्टिकल 14 और 19 का उल्लंघन हुआ है, तो वो नहीं जा सकता है, ये नॉन जस्टिसिएबल है,
यानी 31 ए में क्या बोला गया है कि अगर आपका 14 और 19 आर्टिकल उल्लंघन हो भी रहा है वो पांच चीजों के वजह से, तो कोई कोर्ट सुनवाई नहीं की जाएगी उस केस में, यानी कि आपका 14 और 19 आर्टिकल वहां पे फेल्योर है, ठीक है। ये बात कही गई है 31 ए। 31 बी में क्या कही गई है कि 9 शेड्यूल दिया हुआ है, 9 शेड्यूल आप लोग देखोगे उसमें दिया हुआ कि लैंड इक्विजिशन लैंड रिफॉर्म से रिगार्डिंग चीजें दी हुई है 9 शेड्यूल में। 9 शेड्यूल के जितने भी चीजें हैं और उसको अगर वो उसको बनाने के लिए चाहे उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर स्टेट कुछ कर रहा है और आप क्लेम करने जाओ कि मेरा इस फंडामेंटल राइट्स का उस फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है, तो नहीं कर सकते हो। उसमें भी आपका फंडामेंटल राइट्स पूरा, ये नहीं हुआ था 14 और 19 का बात हो रहा है ए में, यहां पे पूरा का पूरा आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मतलब आपको प्रोवाइड नहीं की जाती है और आप चैलेंज भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह से फंडामेंटल राइट्स 31 सी में क्या है कि स्टेट अगर या अपना डीपीएसपी इंप्लीमेंट कर रहा है तो 39 बी और सी, है ना, इंप्लीमेंट कर रहा है तो उस बीच में आर्टिकल 14 और 19 के बेसिस पे आप जा रहे हैं उस पे चैलेंज करने, तो नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहां पे भी आपका ओवरऑल आप यही समझो, यहां पे भी 14 और 19 आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, 31 सी में भी, ठीक है। क्यों? वो स्टेट का ड्यूटी जहां पे आप लोग हम लोग डीपीएसपी कर रहे थे 39 ए और बी, इस तरह से जो बात कर रहे थे 39 बी को इंप्लीमेंट करने जा रही थी, और उसके दौरान में 14 और 19 आपका आर्टिकल उल्लंघन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले और भी 2425 अमेंडमेंट किया गया था उसी रिगार्डिंग, लेकिन केशवानंद भारती के केस के बाद से ये क्लियर हो गया कि आपका दो ही आर्टिकल उससे रिलेटेड है, 14 और 19, उसका उल्लंघन होगा तो कोई बात नहीं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर भी यहां क्लियर किया गया है, कोर्ट रिव्यू कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। ये चीज तीन चीज था 31 ए बी सी, वही हम लोग यहां बात कर रहे थे। ओवरऑल आप लोगों को समझना यह है कि गोलकनाथ में बोल दिया कि फंडामेंटल राइट्स नहीं अमेंड हो सकता है डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए, यहां बोला गया कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है कुछ भी, ओवरऑल इतना मानकर चलो। जो मैं 31 सी बताया था आप लोगों को, ए बताया, बी बताया, सी भी बताया, उससे समझ गए होंगे। इससे भी आप लोगों को एक बार बेयर जरूर देखना चाहिए। और यहां पे क्या हुआ केशवानंद भारती केस में कि बेसिक स्ट्रक्चर जानते ही हो आप लोग, इंट्रोड्यूस हुआ। दूसरा 25वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो यहां बात कर रहे थे हम लोग, उसको खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हटा दिया, ये नहीं, वो गलत है, ठीक है। अब यहां पे क्या निष्कर्ष निकला, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो बोला गया कि नहीं कंप्लीटली उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। यहां पे मिनर्वा मिल में 80s में जो केस था, सुप्रीम कोर्ट बोला कि इन लोगों के बीच एक हारमोनियस रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए बात कही गई, ठीक है। ये बोला कि ये दोनों क्या है, एक इसेंशियल फीचर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसेंशियल फीचर्स बोला जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहां पे आप लोग ओवरऑल आके हार्मोनाइज कर दिया जा रहा है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में मिनर्वा मिल। तीन केस याद रखो, अगर ये बीच वाला नहीं याद हो रहा है तो, नंबर वन गोलकनाथ, केशवानंद और मिनर्वा मिल। मिनर्वा मिल से कंप्लीट हारमोनियस रिलेशन, यहां पे ये मानकर चलना कि पार्ट की बात कहेगी कि नहीं उसको भी डीपीएसपी को भी इंटायरली इग्नोर नहीं करना है, और ये भी केस याद रख सकते हो। आगे क्या करना हम लोगों को, डीपीएसपी आउटसाइड द पार्ट फोर, डीपीएसपी किसमें है, पार्ट फोर में है, और कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो कि पार्ट फोर से बाहर है, उनके बारे में ध्यान दे देना है थोड़ा सा। जैसे आर्टिकल 335, इसमें बात कही गई है एससी एसटी को जॉब से रिलेटेड, यूनियन में या फिर स्टेट में, ठीक है। तो ये कहां, किस पार्ट में रखा गया है इसको, पार्ट 16 में, कितने पार्ट है 22, है ना। तो आप लोग पार्ट भी आप लोग थोड़ा बहुत एक बार देख लो, पार्ट वन में क्या है, टू में क्या है, थ्री में, वैसे तो सारा पार्ट याद है लेकिन एक बार आप लोग भी देख लो। तो ये इस पार्ट में है जो कि डीपीएसपी से रिलेटेड है, और क्या है 350 ए, जो कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बात कही गई है, इनके बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन में, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन अगर ले रहा है लो, तो वहां पे अपने मातृत्व भाषा, यानी मातृत्व भाषा बोल सकते हैं कि अपने मदर टंग में अपना ये लो एजुकेशन दे सकता है लो,
ठीक है, मतलब वो उसमें किया गया है। ये कौन से पार्ट में है? 17 में, 10 और हाँ 17 में है ये। अगला आर्टिकल है 351। 351 में क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। ये इंडियन मतलब कि यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ड्यूटी बनती है कि हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करें, प्रमोशन करें। ठीक है, ये था तीन चीज मात्र आप लोगों को जो डीपीएसपी से चौथा पार्ट से बाहर पार्ट में है। जैसे ये पार्ट किस में है? 17 में, ये भी 17 में है, ये 16 में है, ये बाहर है, थोड़ा सा ध्यान दे देना है। कंक्लूजन में याद करने के लिए क्या, तो एक एससी एसटी के क्लेम के रिगार्डिंग बात कही गई है, नंबर वन 335 में, 350 में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बात कही गई है, लास्ट में हिंदी डेवलपमेंट के लिए बात कही है, हिंदी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तीन चीजें। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद से मैं आपसे जहां तक बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज करेंगे, जैसे हम लोग अभी तक करते आ गए, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी भी खत्म हो गया, अब करेंगे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज। और ड्यूटी खत्म करने के बाद चारों में कॉमन क्या चीज है उसको कर लेंगे, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा और क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, डू शेयर एंड सब्सक्राइब।